तवी ब्रिज से दिखा रहे हैं, जहां पर आज एक सुबह एक महिला ने, जिसकी उम्र सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि लगभग 40 वर्ष के करीब हो सकती है, उस महिला ने यहां से जंप किया। ये तस्वीरें आप तवी ब्रिज की इस समय जम्मू से देख पा रहे हैं। आपको बता दिया जाए यही वो एरिया है, यही वो स्पॉट है जहाँ से एक महिला ने नीचे जो है वो जंप किया। ये पानी है और आपको बता दिया जाए जंप करने की वजह से उनकी फिलहाल तो उन्हें जो यहाँ के लोग उस समय यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने उस महिला को बाहर निकाल लिया और बाहर निकाल कर जो है वो नजदीकी अस्पताल में आगे के उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। पर सीरियस हैं, काफी ज्यादा कंडीशन उनकी क्रिटिकल है क्योंकि जो ये पानी नीचे गहराई आप देख पा रहे हैं, एक तो काफी ज्यादा गहराई में है ये, और दूसरी चीज ये कि तवी में जो है वो काम के चलते आप देखें बजरी पत्थर काफी ज्यादा हैं, और जाहिर से बात है जब कोई इतनी ऊंचाई से नीचे जंप करेगा तो पत्थरों से भी जो है उसे काफी ज्यादा चोटें आएंगी। और इस समय की भी बात करें तो ये वो स्पॉट है जहां पर उस महिला को बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये अगर आपको विजिबल हो, ये तस्वीरें हैं जो ये कुछ लोग उस महिला को बाहर निकाल रहे हैं। उस महिला की एज जो है वो लगभग 40 के करीब बताई जा रही है। यही वो आपको बता दूं स्पॉट है। ये दो तीन तस्वीरें हैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये दो तीन तस्वीरें हैं, यही वो स्पॉट है जहाँ से महिला को जो है वो उठाया गया, महिला ने नीचे जंप कर दिया। अब क्या कुछ कारण जंप करने के रहे हैं ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आफ्टर दैट ही जो है वो हम आप तक इसकी जानकारी पहुँचा पाएंगे। पर फिलहाल की मैं बात करूँ तो एक महिला ने यहाँ से जंप किया, ये आज ही सुबह का वाक्य है। महिला को जो है वो मौके पर यहाँ पर मौजूद जो लोग थे उन लोगों ने पानी से बाहर निकाला, हालांकि पानी का बहाव भी इतना ज़्यादा नहीं है और गहराई भी इतनी नहीं है कि मापी ना जा सके या फिर जो है वो डूब सके कोई इसमें। पर फिर भी अब महिला ने यहाँ से सुसाइड करने की कोशिश की, यानी कि अगर जंप किया तो क्या कुछ उसके कारण रहे, क्यों उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाने की कोशिश की, क्यों इतना बड़ा स्टेप उन्होंने उठाया, ये वो बिल्कुल स्पॉट है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जहाँ पर उन्होंने जंप किया, उस महिला ने जंप किया। अब जंप करने के क्या कारण रहे, क्या परेशानी होने थी कि उन्हें इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ गया, आप तमाम लोगों से, खासकर आप तमाम लोगों से जो है वो ये दरख्वास्त रहेगी कि आप लोग इतना बड़ा स्टेप अपनी ज़िंदगी में कभी ना उठाएं। कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है कि सुसाइड या फिर आत्महत्या जो है वो उसका समाधान हो, तो आप तमाम लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, ऐसा करने से आप लोग बचें। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर फेंसिंग होने की जरूरत है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चिनाब में हुई है, यानी कि पहले इस तरह के केसेस जो है वो चिनाब से भी सामने आते थे, पर उसके बाद अब आप देख पा रहे हैं कि जम्मू के तवी ब्रिज से भी इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर आए दिन कोई ना कोई जो है वो यहां से जंप नीचे की ओर कर देता है। और ये एक जो है वो केंद्र बन चुका है, यहां से ही इसी स्पॉट से लोग जो है वो नीचे की ओर जंप करते हैं। हालांकि अभी तो जो है वो आर्टिफिशियल लेक का काम तवी में चल रहा है जिसके चलते पानी को जो है वो एक साइड रुक दे दिया गया है, पर आप कि यही वो स्पॉट है जहां पर आए दिन लोग जो है वो नीचे जंप करते हैं, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ऐसा करने से आप लोग बचे, क्योंकि इसके बाद जो है अगर आप ऐसा कदम उठाते हैं तो इसके बाद आपके पूरे परिवार को इसके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अभी फिलहाल जो महिला जिनकी उम्र लगभग 40 के करीब है, फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये पता चला है उन महिलाओं को ऑन स्पॉट यहाँ से निकाला गया, इस पानी से निकाला गया और उन्हें नज़दीकी अस्पताल में आगे के उपचार यानी कि फर्स्ट एड के लिए भर्ती करवाया गया है। उनका आगे का उपचार जो है वो हॉस्पिटल में चल रहा है। तो ये तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाई हैं, ये वो स्पॉट है। फिलहाल जहाँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस तवी ब्रिज की ये चार पुल यहाँ पर पड़ते हैं, क्या वो गुजर नगर पुल हो, तवी ब्रिज हो, फोर्थ ब्रिज भगवती नगर हो, इन चारों पुल से इस तरह के केसेस जो है वो सामने आते हैं। तो अभी फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जल्द से जल्द यहाँ पर फेंसिंग करवाई जा सके ताकि इस तरह के केसेस जो है वो यहाँ से सामने ना आए, क्योंकि आप देखें और जितने भी लोग, जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों से भी अर्ली टाइम के माध्यम से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग ऐसे कदम उठाने से पहले 10 बार सोचें। ऐसा कदम उठाना जो है वो सिर्फ आप ही के लिए परेशानी का सबक नहीं है बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए परेशानी का सबक हो सकता है। इसी के साथ साथ आप लोग ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है जो जिसका समाधान जो है वो आत्महत्या हो, तो आप इन चीज़ों को करने से बचें। फिलहाल उन महिला की कंडीशन की बात करें तो अभी फिलहाल उनकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल ही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से उन्होंने जंप किया है और नीचे जो है वो पत्थर बजरी होने के कारण उन्हें जाहिर बात है चोटें भी आई होंगी। फिलहाल उनका आगे का उपचार चल रहा है और आप लोगों से इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग इस चीज़ को देखें, समझें और इस तरह के कदम उठाने से बचें। बन रहे आप आगे अपडेट्स के लिए अर्ली टाइम्स के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।